हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम तीनों जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि पापा से हमने बहुत रोग आके गाड़ी मांगी और हमें बहुत मुश्किल से स्कूटी मिली है। तो हमने सोचा कि आज हम घूमने जाएंगे नदी पे आरती देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सब लोगों ने देखा, बस मैंने ही नहीं देखा। तो मैंने सोचा कि आज मैं भी जाऊँगी। और रास्ता बहुत ही ज़्यादा खाली था, शांत था, थोड़ा बहुत तो भीड़ भाड़ रहता है संडे, फिर भी तो बाहर निकलेंगे ही ना लोग, पर बहुत अच्छा लग रहा था। और ये रास्ता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि रास्ते में ना बहुत सारे पेड़ यहाँ पे हैं, तो ये वाला जो रास्ता है ना नदी जाने का, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और भाई ना अपनी शक्ल हमेशा छुपाता ही फिरता है। उसका रीज़न भी मैं आप लोग को बता देती हूँ कि शहर की हर एक लड़की और इंस्टाग्राम फेसबुक पे जितनी भी लड़कियाँ हैं, सब की सब जो है इसका क्रश हैं। ये उनका नहीं है, वो सारी इसका क्रश है। तो ये ना शक्ल छुपाता फिरता रहता है कि कहीं अगर किसी ने देख लिया ना तो मेरी जो सेटिंग रहेगी वो ख़राब हो जाएगी। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं और ये देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है। और नदी का जो वीडियो मैंने काफ़ी बार शेयर किया है, नदी देखते ही ना मैं तुरंत उसके पास चली गई कि भाई जाना है, क्योंकि सारे लोग ना जा रहे थे और जब तक जाएंगे नहीं तब तक छुएंगे नहीं पानी, तब तक क्या मज़ा है। तो मज़े लेने के लिए आए हुए हैं साथ में। आज एक बहुत ख़ास चीज़ मैंने यहाँ पे की, मैंने काफ़ी टाइम से सोचा था कि जब भी सावन पड़ेगा, हर सावन में ही सोचती थी लेकिन कभी नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हुआ ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और नदी के पास शिवलिंग बनाने का जो मेरा इच्छा था ना, वो आज जब पूरा हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पर उसमें सबसे बड़ी रुकावट पता थी क्या थी, कि मैंने तुरंत उसमें से बालू निकाला और बनाने की कोशिश की, पर और वो बालू इतना ज़्यादा मतलब गीला था कि सारा बह जा रहा था, बन नहीं रहा था। फिर अचानक से मेरे दिमाग की दुलत्ती जलती है और मुझे याद आता है कि थोड़ी सी सूखी बालू अगर हम मिला के बनाएंगे तो पक्का बन जाएगा शिवलिंग। और भोलेनाथ की कृपा रही कि मेरी दिमाग की जो दुलत्ती है वो जल गई और फिर मैंने शिवलिंग बनाना शुरू किया और ये फटाफट से बनना शुरू हो गया। थोड़ी प्रॉब्लम फिर भी हो रही थी, क्योंकि बारिश का भी मौसम है और बालू काफ़ी गीली थी, सूखी कम थी। फिर भी मैंने कोशिश की और कोशिश मेरी जो है ना वो सफल भी हो गई, शिवलिंग मैंने बना ही लिया। और बनाने में ना मैं इतना ज़्यादा भूल गई कि मैं कहाँ बैठी हूँ और कितने लोग हैं, कुछ याद नहीं था। और जब मेरी नज़र ऊपर जाती ना तो मैं क्या देखती हूँ कि सारे के सारे लोग मुझे ही देख रहे होते हैं। और वैसे मुझे अजीब थोड़ा लगता है, क्योंकि मुझे ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि कोई सारे इतने सारे मिलके सिर्फ एक को देखते हैं ना। वो चीज़ मैंने अभी फेस जब कभी की नहीं है, पर अगर अचानक से अगर ये सब मेरे साथ होता है ना तो मुझे समझ में नहीं आता कि करूँ तो क्या करूँ। और जैसे ही मेरी नज़रें ऊपर गई तो सबकी नज़रें मेरी ऊपर थी, तो मैंने तुरंत ना अपना सब नीचे कर लिया कि छोड़ो यार, छोड़ो, मैं जो करने आई हूँ वो पहले करूँगी, ये मेरी इच्छा है तो ये मैं पूरा करके रहूँगी। और शिवलिंग बनाते बनाते ही काफ़ी शाम हो गई थी, शाम को ही हम लोग निकले भी थे, आई थिंक 6 या 6:30 बजे हम लोग निकले थे और 7 बजे आरती होती है, तो ये बनाने में ही थोड़ा टाइम चला गया था। लोग पास में आके देख भी रहे थे, पूछ भी रहे थे कि आप ये क्यों बना रहे हैं। मैंने कहा अरे यार मेरी इच्छा तो मैं बनाऊँगी। और उसके बाद में फिर आरती शुरू हो जाती है और मेरा शिवलिंग बन के तैयार हो जाता है, इसी बात पे हर हर महादेव। तो ये रहा मेरा शिवलिंग और मैं बहुत 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 खुश हुई जब ये पूरा का पूरा बन गया। तो और फिर आरती शुरू हो गई, आरती के देखिए इतने सारे लोग दिए लेके और नदी में डाल रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था, नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। शाम हो गई थी और उसके बाद आरती ख़त्म होने के बाद सब ने बहुत तेज से जयकारे लगाए। आरती तो हर संडे ही होती है, पर ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं यहाँ पे थी। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात ये थी कि सावन का महीना था और मैंने शिवलिंग भी बना लिया था। और उसके बाद जब आरती शुरू हुई ना तो इतना ज़्यादा खुशी हुई कि भगवान क्या मतलब, ये इस बार हमेशा से शुरू से जब से ये सावन लगाना मेरे साथ ये चीज़ हो रही है कि मैं जब भी सोचती हूँ कि आज मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, आज मैं घर पर बैठूँगी और बाहर नहीं जाना है, बहुत गर्मी है, बहुत ये है वो, मतलब कुछ भी सोच के बैठती हूँ ना, कोई भी प्लानिंग काम करती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करती है। और ज़रूर मेरी फ्रेंड आ जाएगी, मम्मा शुरू हो जाएंगी और फिर उसके बाद मुझे मंदिर जाना ही जाना हो जाता है। तो शायद ये महादेव का इशारा होता है कि बेटा बिल्कुल जीवन में परेशानियां आती ही रहेंगी, लेकिन तुम हार मत मानना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी बिल्कुल महादेव मेरे साथ है, वरना इतना कुछ होने के बाद भी, इतना सब कुछ सहने के बाद भी अगर मैं ज़िंदा हूँ तो ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि कहते हैं, मतलब उपलब्धि है, क्योंकि कहते हैं कि ज़िंदगी है तो सब कुछ है, क्योंकि अगर आपके पास ज़िंदगी रहेगी तो आप फिर से वो सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो जो आपने खो दी है, गवा दी है। तो ज़िंदगी बड़ी चीज़ है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। तो मेरे लिए भले अभी तक मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीव ना किया हो, पर ज़िंदगी है तो सब कुछ है,
तो महादेव हैं तो सब कुछ है, तो मेरे पास महादेव भी हैं और उन्होंने मुझे ज़िंदगी भी दी है, तो एक ना एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि मैं वो सब पालूंगी जो मुझे चाहिए। चांद को फिलहाल पकड़ने की कोशिश चल रही है, पर यार चांद किसके हाथ आया, हालांकि चंद्रयान तो वहाँ पे चंद्रयान तो गया हुआ है पर वो उसे लाने के लिए नहीं गया है। फिलहाल हमारी कोशिश तो नाकाम रही। शाम का नज़ारा इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि मैं क्या ही बताऊँ, एक तरफ चांद था, एक तरफ ये ऑरेंज कलर का आसमान ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, एक तरफ ब्लू था, नीचे नदी थी, इतनी सारी भीड़ थी, मतलब एकदम अलग ही माहौल जा रहा था और इतना अच्छा दृश्य था ना कि एकदम शाम बन गई थी हमारी। संडे कैसा भी बीता हो लेकिन शाम ना एकदम ज़बरदस्त थी। और उसके बाद बस अब ये लंबी लाइन क्यों लगी है क्योंकि हम खाने वाले हैं प्रसाद। बहुत सारा प्रसाद मिले पर एक ही मिलेगा। अरे वो तो हो जाएगा यार, हो गया। धक्का दे रहे कौन पीछे से? और पीछे मेरा भाई कहाँ हो रहा? बोलो गायत्री माता की जय। अमन में बोल रही है। मन में बोले से कुछ ना हो, तेज से बोले पड़ा था। प्रसाद लेने के बाद बारी आती है घर जाने की, पर उससे पहले पास में ही जो है एक पीपल का पेड़ था जहाँ पे बोलते रात को नहीं जाना चाहिए, पर मैंने कहा छोड़ो यार, भगवान है साथ में तो फिर किस बात की डर है। और फिर उसके बाद मैं फिर से एक बार नदी के पास में ही एक चबूतरा बना है वहाँ पे रुद्राभिषेक हो रहा था वो देखने के लिए चली गई थी और बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे रात हो गई थी, आई थिंक कि 7:30-8 बज चुके थे, फिर भी हमारा घर जाने का बिल्कुल कोई भी मन नहीं था, कोई प्लान ही नहीं था। हमने कहा भाई यहाँ से निकलेंगे ना तो कहीं और घुमा देना, क्योंकि बहुत मुश्किल से हमें स्कूटी मिली है। और भाई भी, वैसे तो भाई मिल ही जाता है, बस अपनी शक्ल नहीं दिखाता, वो अलग की बात है, बेचारा उसको भी भगवान, उसका भी भला हो जाए, उसको भी एक गर्लफ्रेंड मिल ही जाए। हर किसी पर उसका क्रश रहता है, पर वो किसी का क्रश हो उससे पहले उसे क्रश कर दिया जाता है। तो जैसा कि हमने प्लान बनाया था कि नदी से निकलेंगे तो उसके बाद सीधे हम कुछ ठंडा पीने जाएंगे, तो हम पी रहे हैं सोडा, साथ में भाई भी है, पर फिर भी उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाएगी। मैं दिखाना चाहती हूँ पर वो जैसे ही उसे लगता है ना कि मेरी तरफ कैमरा होने वाला है ना, वो तुरंत के तुरंत भाग जाता है। किससे डरता है, क्यों डरता है, मुझे नहीं पता। और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा नमकीन खाते हैं, ये थोड़ा अलग ही जोन में जा रहा है कि हम लोग चखना खा रहे और कुछ और ही पी रहे, पर ऐसा नहीं था, हम नमकीन खा रहे थे, हमें अच्छा लग रहा था और मतलब भूख भी लगी थी, थोड़ी प्यास भी लगी थी, तो हमने सोचा था यार थोड़ा इंजॉय तो कर ही लेते हैं। बहुत इंजॉय किया हमने शाम को। इतना सब कुछ खाने के बाद भी हमें सुकून नहीं था और फिर यहाँ से एक लंबी राइड लेके हम पहुँचते हैं मोमो वाले भैया के पास, कि हमें मोमो बहुत पसंद है। ये खास नेपाल से आए हुए हैं, यहाँ पे मोमो बेचते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें थी इनके पास, तो हमने सब कुछ पैक कराया। और घर जाने की जल्दी थी क्योंकि 8 बज चुके थे और पापा से डांट नहीं खाना था ताकि हमें दोबारा से स्कूटी मिल जाए घूमने के लिए। और आज का व्लॉग यहीं तक, महादेव से आप सबके लिए प्रार्थना है खुशी मिले, प्यार मिले, सफलता मिले। आज का व्लॉग यहीं तक गाइस, बाय बाय।